सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं विशाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म करियर एंडेवर पर। डियर स्टूडेंट, हमारी पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत हम सीएसआईआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और पिछले दो सेशंस के अंदर में हमने मॉलिकुलर बायोलॉजी मॉड्यूल के एक टॉपिक को कंप्लीटली कवर भी कर लिया है जो कि डीएनए ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर उसे देख लीजिए और उसी क्रम को आज भी हम बरकरार रखने वाले हैं सेम पैटर्न के अंदर में, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना केवल उसके आप कहिए कॉन्सेप्ट्स के साथ में बल्कि डिटेलिंग के साथ में समझ रहे हैं। और आज इस सेशन में जो अनदर टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉड्यूल का ही, ये है ट्रांसक्रिप्शन। यस फ्रेंड, ये एक काफी लार्ज आप कह सकते हैं टॉपिक है और अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सबको कवर करते हुए आप कह सकते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर में ही हमें मल्टीपल सेशंस लेने होंगे। तो ध्यान पूर्वक हर एक चीज को ऑब्जर्व करते चलिए, आपको बेहतरीन तरीके से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं आपके इन सेशंस के अंदर में। ठीक है, तो ध्यान में रखिए और सभी चीजों को आप अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करते चलिए, नोट डाउन भी करते चलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल पर आया है, मुझे रिकमेंड करूंगा कि जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलते हैं आपको बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो, प्रिपरेटरी सेशन और अपडेशन वीडियो रेगुलर तौर पर रिगार्डिंग और सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो जरूर सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए और आपसे कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना होने पाए। इसी के साथ अगर सेशन अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी जरूर करते चलिएगा। तो चलिए इसी के साथ में आ जाते हैं हमारे अब क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पर। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर में हमारा पहला सवाल जो आज का है, ये नेट जून 2019 के अंदर पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले प्रॉपर इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, कोई भी चीज मिस ना हो, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ते चलेंगे। ये बात आ रही है यूकैरियोटिक एमआरएनए की। तो डियर फ्रेंड, ट्रांसक्रिप्शन में ऑब्वियस तौर पर डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस होती है, लेकिन जब बात आती है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की तो हमें थोड़ा इनमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ऑब्वियस तौर पर प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस थोड़ी सी प्रिमिटिव है और यूकैरियोट में थोड़ी सी एडवांस होती है। हम यहां पर जो इस यूकैरियोटिक एमआरएनए की बात कर रहे हैं, ये भी अपने आप में प्रोकैरियोटिक एमआरएनए से कुछ एडवांस होता है। अगर मैं आपको डिटेलिंग के ऊपर ना जाते हुए कुछ बेसिक डिफरेंस इनके बीच में बताऊं, तो आप जहां तक प्रोकैरियोट्स के अंदर में सिंपल डीएनए 5' to 3' ऑब्जर्व करते हैं, 5' 3', वहीं जब हम यूकैरियोटिक को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको काफी डिफरेंस मिलेगा। काफी डिफरेंस क्या जो मेजर आ रहा है वो हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर 5' एंड के ऊपर में कैपिंग होती है 7-मिथाइल गुआनोसिन की। 5' एंड के ऊपर में ये कैपिंग होती है जिसे हम 5' कैप कह रहे हैं और ये होती है 7-मिथाइल गुआनोसिन की। ठीक है, इसके अलावा जो 3' एंड है यहां पर आपको पॉली ए टेल देखने के लिए मिलती ठीक है, पॉली ए टेल भी आपको देखने के लिए मिलती है। यानी कि जहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं एक प्रोकैरियोटिक एमआरएनए को, ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें ना तो आपको कोई 5' कैप देखने के लिए मिलेगी और ना ही आपको 3' टेल देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यूकैरियोट्स में या यूकैरियोटिक एमआरएनए में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, यूकैरियोटिक एमआरएनए। तो हमारा जो सवाल है वो क्या पूछ रहा है इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक एमआरएनए आर मॉडिफाइड टू पोजेस 5' कैप स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कैपिंग स्ट्रक्चर है, ये एज अ मॉडिफिकेशन इसके ऊपर में एड ऑन की तरह से आते हैं। ठीक है ना, जैसे हम कहें कि अगर कोई एक आरएनए बन गया तो इसके बाद, इसके बनने के बाद या फिर जिस भी पोर्शन के ऊपर में कोई मॉडिफिकेशन हो रही है, वो पोर्शन बनने के बाद अगर कुछ अटैचमेंट की जा रही है तो वो एक तरह से मॉडिफिकेशन ही हो रही है उसकी। ठीक है ना, यहां पर अगर हम कैपिंग की बात करें तो 5' एंड के ऊपर अटैच हो रही है, तो 5' मॉडिफिकेशन रूप में हम इसे देख रहे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इज एन इनकरेक्ट, अब ध्यान दीजिएगा इनकरेक्ट बताना है हमें यहां पर। ठीक है, स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ 5' कैप स्ट्रक्चर। तो 5' कैप के जो फंक्शन है उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट यहां पर दी गई है हमको उसमें बताना है कौन सी गलत है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट, इट प्रोटेक्ट द एमआरएनए फ्रॉम 5' to 3' एक्सोराइबो न्यूक्लियस अटैक। अब यहां पर आपको समझना होगा कि
कि ये एंजाइम 5' to 3' एक्सोराइबोन्यूक्लियस क्या करता है। देखिए डियर फ्रेंड, जहां पर हम न्यूक्लियस को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो वहां पर दो कैटेगरीज हम रखते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस की और एक एक्सोन्यूक्लियस की। जहां पर एंडोन्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लिक एसिड के मिडल पोर्शंस पर से कट करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, वहीं जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं ये एंड्स पर से कट करते हैं। और ऑब्वियस तौर पर एक न्यूक्लिक एसिड के पास में एक 5' एंड होता है और एक 3' एंड होता है। तो अगर कोई एक्सोन्यूक्लियस 5' एंड से कटिंग करता जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स को हटाते जाता है, तो वो कहलाता है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस। ऐसे ही कोई एक्सोन्यूक्लियस अगर 3' एंड से कटिंग करते हुए न्यूक्लियोटाइड को हटा रहा है तो वो कहलाएगा 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। यहां पर जो वर्ड आ रहा है एक्सोराइबोन्यूक्लियस, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि कटिंग किसकी हो रही है, एक आरएनए की हो रही है। तो जनरल क्राइटेरिया में जहां पर हम आरएनए या डीएनए के लिए जनरली एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं, यहां पर हम एक्सोराइबोन्यूक्लियस कहते हुए ये बात फिक्स कर रहे हैं कि ये आरएनए की ही कटिंग करेगा और वो भी इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो ये तो हो गई इस 5' to 3' एक्सोराइबोन्यूक्लियस की बात। अब हमारा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो 5' to 3' कैप है, सॉरी 5' कैप है, सॉरी मैंने 5' to 3' कह दिया, 5' कैप है, ये प्रोटेक्ट करता है एमआरएनए को फ्रॉम दिस एक्सोराइबोन्यूक्लियस। क्या ये बात सही है? यस, ये बात सही है। क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं कि 5' कैप है, ठीक, इस रीजन से ही हमारा ये 5' to 3' एक्सोराइबोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को कट करता जाएगा अगर ये कैप ना हो तो। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, कैपिंग कैसे बचा रही है इसे? तो देखिए इतनी बात तो हमें पता है कि जो भी हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं वे बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से, और इस दौरान हर न्यूक्लियोटाइड के बीच, हर न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो कनेक्शन बनता है वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। ठीक, अब अगर मैं आपको ये 7-मिथाइल गुआनोसिन जो स्ट्रक्चर है कैपिंग की, अगर ये डिटेल में समझाऊं तो आपको कहीं ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी इससे रिगार्डिंग। तो देखो होता क्या है कि सपोज ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो पहला न्यूक्लियोटाइड जो इस एमआरएनए के ऊपर में प्रेजेंट है। तो चूंकि ये सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड है तो इसके पास में इनिशियली तीनों फॉस्फेट रहते हैं। तीनों फॉस्फेट क्यों रह रहे हैं भाई? एक न्यूक्लियोटाइड के पास में पॉलीमराइजेशन जब हो रही है, अगर वो आरएनए में शुरुआत में आ रहा है तो उसके पास तीनों फॉस्फेट मौजूद रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड के पास तीन फॉस्फेट है ना, कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, तो इसके पास में ये तीनों फॉस्फेट रहते हैं इनिशियली। लेकिन जब हम यहां पर 7-मिथाइल गुआनोसिन अटैच करते हैं तो इस दौरान ये गामा फॉस्फेट यहां से डिटैच हो जाता है और जो हमारा ये कैप है 7-मिथाइल गुआनोसिन, ये जी मैं शो कर रहा हूं गुआनोसिन के लिए, और इसका फॉस्फेट ये आ गया और ये आ गया OH। ठीक है, यहां पर मैं ये शो कर दूं कि ये जो फॉस्फेट आया है ये अल्फा फॉस्फेट है, किसका? इस GMP का। देखिए जब अटैचमेंट करी जाती है 7-मिथाइल गुआनोसिन की यहां पर, तो ये अटैचमेंट बहुत यूनिक तरह की है। जहां पर हम कभी न्यूक्लियोटाइड को अटैच होते हुए दिखाते हैं एक दूसरे के साथ में तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है जो कि किन के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है 5' ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड 3' एंड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, उनके बीच में बनता है। आप यहां पर अगर देखो ना तो इस ए का भी 5' एंड इधर है, ये 5' एंड है इसका, तभी फॉस्फेट दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, और इधर इस जी का भी ये 5' एंड है। हुआ क्या है कि जब ये GTP था, ठीक है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, उसमें से पायरोफॉस्फेट हटकर ही ये अटैचमेंट इस पर हुई है, तो एक फॉस्फेट इसके पास जो है वो अल्फा फॉस्फेट है, और जो ये लिंकेज है इसे कहा जाता है 5' 5' लिंकेज। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। देखो 5' एंड इस गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड का इस तरफ में है, फॉस्फेट साथ अटैच हो रखा है, और इसका 3' एंड इधर है। देखो अब जो 5' to 3' एक्सोराइबोन्यूक्लियस होते हैं इनको आदत होती है 5' के ऊपर में फॉस्फेट की, तो ये उसे ही रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर कटिंग करते जाते हैं न्यूक्लिक एसिड के एंड्स पर से। लेकिन अब यहां पर जब कोई ये 5' to 3' एक्सोराइबोन्यूक्लियस जाएगा तो पहली बात तो इसको यहां पर ये फॉस्फेट फ्री दिख ही नहीं रहा, यहां पर तो OH फ्री है। फॉस्फेट तो ऑब्वियस तौर पर किसके साथ में है?
बीटा फॉस्फेट ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एमआरएनए उसके साथ में। तो ये यहां पर 5 प्राइम 5 प्राइम लिंकेज, ये भी यूनिक तरह की लिंकेज है, ये कोई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो है नहीं कि जिसको ये एक्सोराइबोन्यूक्लिक कट कर दें। तो ये जो परिस्थिति यहां पर बनी है 7-मिथाइलगुआनोसिन की, इसके अंदर में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोराइबोन्यूक्लिएज की एक नहीं चलती, ये इसे कट नहीं कर पाता, और इसी कारण से हमारा जो ये एमआरएनए है ये इससे बच जाता है। समझ में आ गई बात? ऑब्वियस तौर पर ये कैप की तरह से यहां पर काम कर रहा है, इसको बचाने का काम कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, पर ध्यान रखना है इतनी सब कुछ समझने के अंदर में कई बार हमारे माइंड से सवाल ही गायब हो जाता है। आपने देखा कि ये चीज सही है, लगा दिया टिक, अरे नहीं भाई इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले स्टेटमेंट पर, उसे भी देख लेते हैं। बी, इट फैसिलिटेटेड स्प्लाइसिंग ऑफ नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट। नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट से क्या मतलब है? नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट से मतलब है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए मतलब हिट्रोजिनस आरएनए। हिट्रोजिनस आरएनए में ही जब मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, कौन सी, ये कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, स्प्लाइसिंग हो गई, ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती हैं तब बनता है हमारा मैच्योर एमआरएनए। अगर ये नहीं हुई है तब तक एचएनआरएनए कहलाता है, ठीक है ना। तो जब ये मॉडिफिकेशन होंगी तब बनेगा एमआरएनए, ठीक है ना, क्लियर बात, ये चीज है। तो ये कह रहा है इट फैसिलिटेट स्प्लाइसिंग ऑफ नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट, यानी कोई कैपिंग जो है 5 प्राइम कैप ये फैसिलिटेट कर रही है किसको, स्प्लाइसिंग प्रोसेस को। क्या ये बात सही है? यस ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑब्जर्व करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को, तो उसमें सबसे पहली जो मॉडिफिकेशन होती है एक एचएनआरएनए पर, वो होती है 5 प्राइम कैपिंग। जैसे ही हम बात करते हैं कि सपोज ये एक ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ये इसका 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, एंड नहीं, वैसे मैं पोलैरिटी शो करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर आपको, तो आपको देखने को मिलेगा ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज है, और इस पर से ये एमआरएनए बनकर निकल रहा है। तो देखो जो पॉलीमराइजेशन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है, इसलिए सबसे पहले जो एंड बनकर निकल रहा है किसका, एमआरएनए का, मैं एचएनआरएनए कह दूं क्योंकि अभी बाकी प्रोसेस तो है नहीं, पर ध्यान रख लीजिए ये एमआरएनए। तो इसमें सबसे पहले 5 प्राइम एंड निकला है तो कैपिंग इसी पर होती है, आई बात समझ में। और जब कैपिंग हो जाती है ना तो इसके बाद प्रोसेस होती है, कैपिंग के बाद में होती है स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। तो अगर कैपिंग बढ़िया से हो गई है तो स्प्लाइसिंग अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। जिसके पास एग्जिस्ट होती है कैपिंग, वो भी फर्दर जो स्प्लाइसिंग एंजाइम्स वगैरह है उनके रिक्रूटमेंट के अंदर मदद कर देती है, क्योंकि ये सारी चीज कोरिलेटेड है, पहले कैपिंग होगी फिर स्प्लाइसिंग होगी और आखिर में जाकर टेलिंग होती है। तो इसका ये कहना कि इट फैसिलिटेट स्प्लाइसिंग ऑफ नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट, ये वाली बात सही है, स्प्लाइसिंग क्योंकि इसके बाद में ही होती है, कैपिंग के बाद में ही होती है, तो कैपिंग उसको फैसिलिटेट करता है, क्लियर बात। सी पर आ जाओ, इट प्रोटेक्ट द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय RNase3 family enzyme। इसका क्या मतलब है कि 5 प्राइम कैप जो है ये प्रोटेक्ट करता है ट्रांसक्रिप्ट को, यानी एमआरएनए को, फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय RNase3 family। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए RNase3 family की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। दरअसल RNase3 जो है, ये RNase3, ये आरएनए को कट करता है, लेकिन ये क्या है, ये एक एंडोराइबोन्यूक्लिएज है, ये क्या है, एक एंडोराइबोन्यूक्लिएज है। एंडोराइबोन्यूक्लिएज मतलब कि एमआरएनए या एचएनआरएनए के मिडल पोर्शन से कट करेगा। अब ये RNase3 वाला जो है इसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा 5 प्राइम एंड पर क्या है क्या नहीं है, क्या ये 5 प्राइम कैपिंग होना इस RNase3 से एमआरएनए को या एचएनआरएनए को कट होने से बचा सकता है? नहीं, क्योंकि ये एंडो रीजन पे कट करता है, मिडल जाए कट कर देगा, खत्म कहानी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो 5 प्राइम कैपिंग है एटलीस्ट RNase3 family वालों से तो नहीं बचा सकती एमआरएनए को, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। समझ में आ गई ना बात, क्लियर है? हाँ, तो इट फैसिलिटेट, ये फैसिलिटेट करता है क्या, जो चौथी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, इट फैसिलिटेट अटैचमेंट ऑफ प्रोटीएज सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। बिल्कुल सही बात है, जब ट्रांसलेशन की बात आएगी तो जो एमआरएनए कैप्ड होते हैं
जिनके ऊपर 5 प्राइम कैपिंग हुई रहती है उन पर ट्रांसलेशन अच्छे से हो जाता है। अगर कैपिंग नहीं होती तो एक अलग सिनेरियो उसका बनता है, ठीक है। लेकिन हाँ बिल्कुल ये मदद करता है ट्रांसलेशन के दौरान। कैपिंग अगर है तो ये अटैचमेंट करवाएगा किसकी, एमआरएनए की विद राइबोसोम, 40S राइबोसोम। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो चूंकि हमको इनकरेक्ट बताना था तो सी मिल गया हमको हमारा राइट आंसर इस सवाल का। तो आई होप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर। हाँ तो नेक्स्ट सवाल आ रहा है, अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की तरीके से कुछ डिजाइन कर रखा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर बातें। इन एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट हैज इन्फेक्टेड मैमेलियन होस्ट सेल। मैमेलियन होस्ट सेल कह के ये क्या बताना चाह रहा है कि ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना। इन्फेक्टेड मैमेलियन होस्ट सेल विद साइटोप्लाज्मिक आरएनए वायरस, ठीक है। इन्फेक्शन किससे हुआ है, एक साइटोप्लाज्मिक आरएनए वायरस से हुआ है। यानी कि ये आरएनए क्या करेगा, अपना जो भी इसके जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए के अंदर में रिसाइड करवाएगा। ये है बेसिकली कहने का मतलब, ठीक। फिर आगे द वायरस ग्रोथ वाज मॉनिटर्ड बाय मेजरिंग द इंट्रा सेलुलर वायरल आरएनए। अब वायरल वायरस जो है उसकी ग्रोथ को कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, इसी चीज से देखकर कि उससे कितने ज्यादा वायरल आरएनए बन रहे हैं। तो ये चीज ये देखी जा रही कि मेजरिंग द इंट्रा सेलुलर वायरल आरएनए एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, अलग अलग टाइम इंटरवल पे, ठीक है। आधे घंटे बाद देख लिया, 1 घंटे बाद देख लिया, इस तरह से। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट वायरल आरएनए टाइटर प्रोग्रेसिवली वेंट डाउन। अच्छा यानी समय के साथ साथ ये इसकी जो रेट है वो कम होती जा रही है। पहले जैसे मान लो कि 1 मिनट के अंदर 10 बन रहे थे, तो अब उतने नहीं बन रहे, घट रहा है, प्रोग्रेसिवली घटता जा रहा है विद टाइम। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन घट रही है, किसकी, वायरल आरएनए की। तो पर्टिकुलरली 12 आवर पोस्ट इंफेक्शन, और खास देखने को मिल रहा है 12 घंटे बाद तो काफी घट ही जा रही है, ठीक है ना। तो फॉलोइंग आर फ्यू पॉसिबिलिटीज। अब देखो कुछ पॉसिबिलिटीज की बात करी जा रही है यहां पर। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई हार्ड एंड फास्ट यहां पर एग्जैक्ट कोई मेमेलियन सेल ये फॉलो कर रही हो, ये चीज नहीं बताई जा रही है। दरअसल अगर इस तरह का आउटकम आए तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो यहां पर ध्यान रखनी। तो कुछ पॉसिबिलिटी आपके सामने प्रेजेंट करी जा रही है इस सवाल में, ठीक है। ये नेट जून 2019 का आया हुआ सवाल हमारा। तो देखो तेरा पहली स्टेटमेंट, द वायरस इंफेक्शन ट्रिगर्ड अप रेगुलेशन ऑफ एमआईआरएनए। क्या कहा इसने, क्या कहा इसने, यस, वायरस इंफेक्शन ट्रिगर्ड अपरेगुलेशन ऑफ एमआईआरएनए। एमआईआरएनए से क्या मतलब है, ये दरअसल वो आरएनए है जो कि एमआरएनए को कट कर सकता है। यानी कि अगर किसी जीन का एमआरएनए बन गया तो भी उसकी जो एमआरएनए है उसको टारगेट करके, उसको डिग्रेड करके उस जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकता है ये एमआईआरएनए। इसलिए इसका रोल आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग में, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसा आरएनए भी होता है वो भी यही काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि वायरस का जो इंफेक्शन हुआ ना, इससे अपरेगुलेशन हो गया एक एमआईआरएनए का, और एमआईआरएनए क्या करेगा, ऑब्वियस तौर पे किसी एमआरएनए को टारगेट करेगा। तो ये कह रहा है कि दैट माइट हैव डाउन रेगुलेटेड द होस्ट फैक्टर क्रिटिकल फॉर वायरल आरएनए रेप्लिकेशन। यानी कि वायरस होस्ट के जिस फैक्टर को यूटिलाइज करते हुए अपना रेप्लिकेशन करवा रहा था, हुआ ये कि वायरस ने जब इंफेक्शन किया तो कोई एमआईआरएनए का एक्सप्रेशन बढ़ गया जो कि होस्ट के उस फैक्टर के एमआरएनए को ही कट करने लग गया। तो ऐसे में वायरस का जो आरएनए है ये यहां पर रेप्लिकेट कर ही नहीं पाया, ये है यहां पर कहने का मतलब। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, हाँ भाई हो सकती है, क्यों नहीं भाई। अगर एमआईआरएनए एक्सप्रेस हो रहा है तो किसी ना किसी एमआरएनए टारगेट करके वहां पर डाउन करेगा। तो पॉसिबिलिटी की बात देखें तो ये बेस्ट बिल्कुल हो सकता है। बी पर आ जाओ, द वायरस माइट एनकोड एमआईआरएनए दैट रेगुलेट इनहिबिट इट्स ओन रेप्लिकेशन। बिल्कुल हो सकता है भाई, संभावना की बात कही जा रही है, एग्जैक्ट क्या हो वो नहीं पता, संभावना को लेकर कहना है हमें। तो वायरस ने कहा, ये कह रहा है कि वायरस माइट एनकोड एमआईआरएनए, खुद से ही कुछ एमआईआरएनए ऐसा बना रहा है जिसके कारण से खुद की रेप्लिकेशन नहीं हो पा रही, हो सकता है, बी भी पॉसिबल है। सी, वन ऑफ द वायरल प्रोटीन इनहिबिट रेप्लिकेशन ऑफ वायरल आरएनए। कोई वायरस का ही प्रोटीन इनहिबिट कर रहा हो टू रेस्ट्रिक्ट रैपिड प्रोलिफरेशन, ये वाली बात भी हो सकती है। डी को देखें, द वायरल आरएनए गोज टू न्यूक्लियस विद टाइम। अच्छा ये देखो एक यूनिक बात कह रहा है, ये कह रहा है कि वायरल आरएनए समय के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर घुस गया। अरे भाई आरएनए एक मैमेलियन सेल या एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस से बाहर आता है, एक्सपोर्ट होता है, दोबारा रीएंटर नहीं करता। आप समझो एक मैमेलियन सेल या एक यूकैरियोटिक सेल में
ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तब वो आरएनए या एमआरएनए जो भी है ये बाहर भेजा जाएगा न्यूक्लियस से, किसमें? साइटोप्लाज्म में, ताकि वहां पर राइबोसोम अटैच हो और ट्रांसलेशन हो, अगर एमआरएनए के से तो ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि ये तो उल्टी गंगा बाहर आया है, ये बोल रहा है कि भाई वायरल आरएनए समय के साथ साथ न्यूक्लियस में घुस गया। अरे घुसेगा कैसे? ठीक है, रेन जीटीपी वाला चक्कर जो है वो तो एमआरएनए को बाहर निकालता है, अंदर तो प्रोटीन को लेके आता है। सर्टेन तरह के जो प्रोटीन्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है न्यूक्लियस के अंदर में, उनको एंटर करवाने के लिए इंपोर्टेंस वगैरह का रोल रहता है, ठीक। तो वो आरएनए को तो नहीं लाता भाई विद टाइम। दस नॉट डिटेक्टेबल, अच्छा डिटेक्ट नहीं हो पाया भाई, इसकी तो कहानी ही गड़बड़ लग रही है। दस नॉट डिटेक्टेबल इन साइटोप्लाज्म 12 आवर पोस्ट इंस्ट्रक्शन, ना भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो देखो भाई ए बी और सी ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर, इसको देखते हुए हम ए को राइट आंसर मान सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर सभी को? तो इस कारण से हम इस ए को राइट आंसर मानते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब अगला सवाल यहां पर आ रहा है किससे? फॉस्फोराइलेशन ऑफ, यहां पर ये अल्फा सबयूनिट होगा, ठीक है, अल्फा सबयूनिट, ठीक। ये कह रहा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ अल्फा सबयूनिट ऑफ EIF2, EIF2। अब वो बोलोगे सर EIF2 यहां पर कहां से आ गया? सही बात है, देखो EIF2 दरअसल कोई ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड चीज नहीं है, पर ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। EIF2 क्या है? यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन फैक्टर। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन फैक्टर, ठीक है ना। ये कह रहा है कि फॉस्फोराइलेशन हो गया है अल्फा सबयूनिट ऑफ EIF2। EIF2 में तीन होती हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि अल्फा का फॉस्फोराइलेशन हो गया है कहां पर? एट सेरीन 51। 51 इसकी पोजीशन बताई जा रही है, यानी 51 नंबर पर जो अमाइनो एसिड सेरीन है उस पर फॉस्फोराइलेशन हो गया है इन अल्फा सबयूनिट ऑफ EIF2, ठीक है, इन सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। इसमें लीड टू सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ EIF2B, इससे क्या हो रहा है? सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है EIF2B का। सिक्वेस्ट्रेशन क्या मतलब है? कि ऐसी बाइंडिंग हो जाना कि उसे छोड़ ही नहीं रहा है। अब यहां पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो जैसे ये है EIF2, EIF2, ठीक है। ये EIF2 जो है ये एक जी प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक जी प्रोटीन, यानी ये ऐसा प्रोटीन है जो कि किसी ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंस में काम करेगा, चाहे वो जीएमपी हो, जीडीपी हो या जीटीपी हो। तो ये जब इसके साथ जीटीपी अटैच होता है तो ये एक्टिव होता है और क्या करवाएगा? ट्रांसलेशन करवाएगा। और ट्रांसलेशन में क्या करेगा? ये जो चार्ज टीआरएनए होता है उसको लेकर पी साइट पर जाता है, ठीक है, इनिशियल पी साइट, क्योंकि ये इनिशिएशन फैक्टर है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर ऑफ, आप कहिए कि ट्रांसलेशन, ठीक। तो जब ये एक्टिव है ये टीआरएनए को लेकर गया पी साइट के ऊपर में, अब जब वहां से ये छूटता है, वापस छूटता है, तो उस दौरान ये अपनी जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर लेता है और जो टीआरएनए ये लेकर गया था उसको वहीं छोड़कर फिर आ जाता है। तो ऐसे में ट्रांसलेशन में जब इसका रोल हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है EIF2GDP में, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जीटीपेज एक्टिविटी होती है, जीटीपेज एक्टिविटी, और ये कब हुई है? टीआरएनए को वहां छोड़ने के वक्त में, ठीक है, राइबोसोम पर, उसके टी साइट के ऊपर। अब ये जब जीडीपी फॉर्म पर आ गया तो ये तो इनएक्टिव हो गया, अब इस फॉर्म पर ये काम नहीं कर सकता। तो क्या ये यहीं पर ऐसे फॉर्म पर रहे? नहीं, ये दोबारा से इस फॉर्म पर जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत होती है एक जीईएफ की। जीईएफ बोले तो ग्वानोसिन एक्सचेंज फैक्टर, क्या है? ग्वानोसिन एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है, क्लियर बात।
ग्वानोसिन एक्सचेंज फैक्टर जो है क्या है, ये क्या कर रहा है? दरअसल इस EIF2GDP से GDP को हटाना और दूसरा GTP लगाना, ये इसका काम है, इस GEF का। GEF बोले तो ग्वानोसिन एक्सचेंज फैक्टर, इसका एक्चुअल नाम क्या है? ये है EIF2B, ठीक है ना, EIF2B। तो ये है नॉर्मल प्रोसेस, ये बार बार ऐसे काम करेगा, tRNA को पहुंचाएगा, फिर GDP में कन्वर्ट होगा, फिर दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, फिर tRNA को लेके जाएगा। तो ये इसका काम है। अब इस प्रोसेस में इस ये जो आपके सामने रख रहा है कंडीशन, इसको हम ध्यान में रखकर चलेंगे और एक एक स्टेटमेंट है इस हिसाब से इसको जज करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्या कह रहा है, नोन टू एक्टिवेट ट्रांसलेशन। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर यहां पर ये फॉस्फोराइलेशन हो जाए तो इससे ट्रांसलेशन एक्टिवेट होगा। चलो ठीक है, देखते हैं होता या नहीं, थोड़ा और समझ लेते हैं इसी को। होता क्या है कि जब ये EIF2 EIF2B के साथ में अटैच होकर अपनी GDP हटवा रहा होता है और GTP लगवा रहा होता है, इस दौरान अगर ये EIF2 फॉस्फोराइलेटेड है तो ये EIF2B उसको छोड़ता ही नहीं है फिर। ठीक है, ये EIF2 और ये हमारा EIF2B, और ये हो रखा है इस पर फॉस्फोराइलेशन अल्फा सब यूनिट पर। तो ये कर रहा है EIF2B के साथ, छोड़ ही नहीं रहा है, उससे चिपका हुआ है। अब ये इसको फ्री नहीं छोड़ेगा तो ये किसी और को किस तरीके से फिर आप कहिए कि उसके अंदर में GTP हटाकर GTP लगाएगा, क्योंकि खाली ये एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, न्यूमरस मॉलिक्यूल है, अलग अलग जगहों पर ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर EIF2B इस तरीके से सिक्वेस्ट्रेट हो जाए तो फिर ट्रांसलेशन कैसे होगा? ट्रांसलेशन नहीं हो पाता फिर ऐसे में, ठीक है ना। तो यहां पर टाइटली बाइंड कर जाता है इसके साथ। तो क्या होगा, EIF2B अनअवेलेबल, या EIF2 खुद भी अनअवेलेबल फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है, नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांसलेशन, नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांसलेशन। यानी इसके कारण, अगर ये फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो इसके कारण से क्या फर्क पड़ रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, रुक जा रही है, समझे। तो अब देखो क्या, नोन टू एक्टिवेट ट्रांसलेशन ऑफ कैप्ड एमआरएनए इन साइटोसोल, क्या ये वाली बात है? नहीं, नोन टू एक्टिवेट ट्रांसलेशन, नहीं भाई एक्टिवेट तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। नोन टू एक्टिवेट ट्रांसलेशन मैंने की एमआरएनए शॉर्ट ओआरएफ इन द एमआरएनए सीक्वेंस, ठीक है ये। अच्छा सी को देखो, एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसलेशन बाय आईआरईएस कंटेनिंग एमआरएनए, ये चीज क्या कह रहा है, ये अब हमको समझने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, हाँ फिट, एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसलेशन ऑफ आईआरईएस कंटेनिंग एमआरएनए, ठीक। देखो आईआरईएस क्या होता है, ये होता है इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट। क्या होता है ये, इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट। दरअसल ये साइट पाई जाती है एमआरएनए के ऊपर, ठीक है, हर पर नहीं पाई जाती। अगर जिस एमआरएनए के ऊपर ये आईआरईएस हुआ ना, उसको कैपिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती ट्रांसलेशन के लिए। जहां पर हम पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे ना कि अगर कैपिंग हो रखी है तो उससे ट्रांसलेशन होने में मदद मिलती है, हाँ, क्योंकि राइबोसोम से अटैचमेंट करवाता है। लेकिन अगर आईआरईएस है ना, तो अनकैप्ड जो आपका ये एमआरएनए होते हैं उनका भी ट्रांसलेशन हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट अपने बूते ही राइबोसोम से अटैचमेंट करवा देता है। तो इसके कारण से अब जो शुरुआत इनिशिएशन होना है उसके अंदर इस EIF2 की जो सिग्निफिकेंस है वो घट जाती है, समझ रहे हो। EIF2 की रिक्वायरमेंट किसके लिए है, इनिशिएशन करवाने के लिए ट्रांसलेशन। लेकिन अगर आईआरईएस है तो वो खुद ही कर लेगा अपने हिसाब से, EIF2 की यहां पर बहुत जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक। तो ये यहां पर किस तरफ इशारा कर रहा है कि भाई जो ये कंडीशन हुई फॉस्फोराइलेशन ऑफ EIF2, इससे क्या होगा, बहुत सारे और एमआरएनए जिन पर कैपिंग है, ठीक है, जिनका नॉर्मल तरीके से ट्रांसलेशन होना है, वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर कंडीशन किसकी बनेगी,
जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है वो यहां पर फ्लरिश करेगा। इसके हो इनके हो जाएंगे ट्रांसलेशन, जिनके पास IREs है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर किसी EIF2 पर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ना, तो ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रांसलेशन ऑफ IREs कंटेनिंग mRNA। यानी अगर जो हमारा EIF2 है उस पर फॉस्फोराइलेशन हो गया, तो इस वक्त ट्रांसलेशन किन पर होगा? इन्हीं पर होगा। तो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ये होना एसेंशियल है ताकि इन सब पर हो सके। सही बात है ना? तो थर्ड हमारी स्टेटमेंट यहां पर सही निकल कर आ रही है। बी को देख लो, एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैच्योर, नहीं इसके अंदर में रोल नहीं है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होता है mRNA का, उसके अंदर में एक्सपोर्टिंस का रोल रहता है। ठीक है, सेंटर के MTRs हो गए, ठीक है, UAPs हो गए, उनका रोल आता है, ये नहीं है। तो भाई सी हमारे हिसाब से यहां पर सवाल का राइट आंसर निकल कर आ रहा है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे चले नेक्स्ट सवाल पर, ये आ जाता है। अब ये हमारा जो सवाल है इसमें डायग्राम है, तो थोड़ा सा इसको समझते हुए चलेंगे, आखिर कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले रन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एस्से, रन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एस्से में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है इन विट्रो हो रही है। ठीक है, इन विट्रो हो रही है उसके अंदर में, और रन ऑफ का मतलब ये भी कि भाई वहां पर जो टर्मिनेट रीजन होता है वो नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली उससे ज्यादा कोई खास मतलब है भी नहीं, क्योंकि मेन जो काम कर रहा है वो कौन सा, कोडिंग रीजन कर रहा होता है। ठीक है, उसी के अंदर में प्रोटीन के ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए, सॉरी ट्रांसलेशन होने के लिए जो भी सीक्वेंस वगैरह हैं वो वहीं मौजूद होते हैं, कोडिंग रीजन में ही। ठीक है ना, तो रन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एस्से वर परफॉर्म्ड एस्टेब्लिश स्पेसिफिसिटी ऑफ 3। अच्छा, स्पेसिफिसिटी ऑफ 3 नोवल सिग्मा फैक्टर फॉर देयर प्रोमोटर्स। अच्छा, ये पता लगाने के लिए कि 3 सिग्मा फैक्टर हैं, उनमें किसकी क्या सिग्निफिकेंसी है या फिर स्पेसिफिसिटी है, 3 का पता लगाना है। तो कौन कौन से हैं, सिग्मा ए है, सिग्मा बी है, सिग्मा सी। ठीक है ना, तो रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आर शोन बिलो। तो देखो ये हमारे सामने है। अब देखो ये कह रहा है कि P1 एक प्रोमोटर है, P2 एक प्रोमोटर है। सिग्मा ए जब है तो ये बाइंड कर रहा है P2 से, तो एक बार को हम लिख लेते हैं कि सिग्मा ए बाइंड विद P2 प्रोमोटर। ठीक है ना, सिग्मा बी कहां बाइंड कर रहा है, P1 पर। सिग्मा बी बाइंड विद P1, जब दोनों मिल गए हैं तो P1 पर बाइंड किया है, लेकिन P2 पर बाइंड नहीं किया। फिर जो सिग्मा ए है ना, ये दोनों मिलकर यहां बाइंड कर रहे हैं, यहां पर कोई बाइंड नहीं कर रहा। ठीक है, अब सिग्मा सी की बात है, तो सिग्मा सी जो है ये P1 पर भी बाइंड कर रहा है, P2 पर भी बाइंड कर रहा है। तो सिग्मा सी बाइंड ऑन बोथ P1 एंड P2। आगे बात समझ में? ये हम यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं अभी तक जिनका हमको पता चल रहा है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शोन बिलो। ठीक है जी, नेट जून 2019 का है वो सवाल है ये, और ये दरअसल शो कर रहा है क्या, जो जेनरेटर फोर्सेस है उसके अंदर में बैंड्स को शो कर रहा है दरअसल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे सवाल क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, सवाल हमसे क्या कह रहा है उस पर बात कर लेते हैं। यस, तो देखो भाई, फॉलोइंग इन्फेरेंसेज वर मेड फ्रॉम दीज रिजल्ट। अब इस रिजल्ट से हम क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं, क्या हो रहा होगा? सिग्मा ए इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम P2 एंड सिग्मा बी फ्रॉम P1। क्या कह रहा है कि सिग्मा ए इनिशिएट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम P2, सिग्मा ए स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम P2, बिल्कुल सही बात है, और सिग्मा बी P1 से। यस, ये वाली बात सही है भाई। फिर सिग्मा सी कैन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम बोथ प्रोमोटर, दोनों बाइंड कर रहे हैं ना, हाँ ये वाली बात सही है। फिर सी को देखें, सिग्मा बी प्रिवेंट्स इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम P2। ये क्या कह रहा है कि सिग्मा बी जो है ये रोक रहा है, ठीक है, सिग्मा बी जो है ये रोक रहा है P2 से। देखो सिग्मा बी P1 से करवा रहा है, ठीक है, तो इस दौरान ये अपने आप में P2 से नहीं करवा रहा। ठीक है ना, एक तरीके से यही समझ सकते हैं हम। दोबारा से मैं देखूं जरा क्या कहना चाह रहा है, सिग्मा बी प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम P2, प्रिवेंट भाई, सिग्मा प्रिवेंट तो नहीं करना चाहिए, ये तो बल्कि करवा रहा है P2 किससे, P1 से ये करवा रहा है, P2 से रोक नहीं रहा है। ठीक है ना, आई बात समझ में, ये प्रिवेंट नहीं कर रहा भाई। ठीक है, हाँ ये P1 से करवा रहा है, P2 से रोक नहीं रहा।
डी को देखे तो सिग्मा ए इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम पी वन, सिग्मा ए जो है ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कर रहा है फ्रॉम पी वन से, क्या ये सही बात है? सिग्मा ए ट्रांसक्रिप्शन पी वन से, नहीं गलत बात है, ये भी गलत है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो भाई कौन सा आ रहा है हमारा यहाँ पर, ए और बी सही है, बी राइट आंसर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से निष्कर्ष निकालें, क्योंकि यहां पर क्या चूज द ऑप्शन करेक्टली बताना है इंटरसेप्ट का रिजल्ट, तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द मैकेनिज्म यूज बाई बैक्टीरिया बाई फॉर एडेप्टेशन टू चेंज एनवायरमेंट इज ऑल्टरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ देयर जीन। क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया में जब आप कह सकते हैं कि अलग अलग एनवायरमेंट में जब उसको ढलना होता है, तो जो बदलाव आने होते हैं, जो उसको अडेप्ट करना होता है, उसके लिए वो क्या करता है, अपनी ट्रांसक्रिप्शन जो है जीन की वो अल्टर कर लेता है, कुछ खास जीन को एक्सप्रेस करवाने लग जाता है। जैसे मैं कहूं अगर बैक्टीरिया किसी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है, सपोज करिए कि सिस्ट फॉर्मेशन हो रखी है या एडवर्स कंडीशन है, तो उस वक्त कुछ अलग जीन एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, ठीक है? जैसे स्टार्वेशन कंडीशन है तो उसको सर्वाइव करवाने के लिए अलग जीन्स एक्सप्रेस हो रही होती हैं, अलग सिग्मा ही एक्सप्रेस होता है उसके लिए, ठीक है? जनरल केस के अंदर में जो एक्सप्रेशन है वो सिग्मा डी कराता है, सिग्मा 70 जिसे कहते हैं। तो ऐसे में ये बात सही है हमारी, तो ये क्वेश्चन कह ही रहा है ये बात। इन दिस रिगार्ड वी डू नॉट द फॉलोइंग रेस्पॉन्स इज नॉट फाउंड। अब देखो ये बता रहा है नॉट फाउंड, जो ना मिले बैक्टीरिया के अंदर में इस सिचुएशन के लिए, यानी हार्श कंडीशन में सर्वाइव करवाने के, इनमें से कौन सिचुएशन बैक्टीरिया के अंदर में नहीं पाई जाएगी, ये है सवाल, ठीक है? तो देखो पहला ऑप्शन देखें, ए अ जीन विद टू डिफरेंट प्रोमोटर फॉर एक्सप्रेशन इन डिफरेंट कंडीशन, ये देखो क्या ये बात हो सकती है? हाँ ये बात हो सकती है, एक जीन के लिए एक से ज्यादा प्रोमोटर हो, एक प्रोमोटर नॉर्मल कंडीशन में काम करने के लिए और दूसरा प्रोमोटर हो हार्श कंडीशन में काम करने के लिए, ऐसा हो सकता है, तो ये वाली बात मिल जाएगी आपको। यूज ऑफ डिफरेंट सिग्मा फैक्टर्स, ऑब्वियसली अलग अलग सिग्मा फैक्टर होते ही हैं, क्योंकि हम कहते ही हैं कि सिग्मा फैक्टर क्या है, स्पेसिफिसिटी फैक्टर है, खास टाइम पर खास जीन का एक्सप्रेशन हो, ये तय कौन करेगा प्रोकैरियोट में, सिग्मा तय करता है। तो यूज ऑफ डिफरेंट सिग्मा फैक्टर फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, बिल्कुल सही बात है, ये होगी। सी को देखें तो एक्सप्रेशन ऑफ ऑल्टरनेट अल्फा बीटा एंड बीटा प्राइम सब यूनिट, ये कह रहा है कि अल्फा बीटा और बीटा प्राइम सब यूनिट का कुछ अल्टरनेट फॉर्म एक्सप्रेस होना, ठीक है? ये तो इसके लिए हमको पहले समझना होगा कि अल्फा बीटा बीटा प्राइम है क्या। दरअसल जो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं, ये एक ही तरह के होते हैं, हर आरएनए को बनाने के लिए एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन इसके अंदर कितनी सब यूनिट्स होती हैं, तो कुल पांच तरह की सब यूनिट होती हैं, अल्फा बीटा बीटा प्राइम ओमेगा और सिग्मा, ठीक है? पांच तरह की हैं, लेकिन अगर कुल संख्या पूछी जाए तो छह होती हैं, क्योंकि अल्फा के दो होते हैं, ठीक है? अब इन सब सब यूनिट का अपना स्पेसिफिक काम है, जैसे ये अल्फा सब यूनिट का काम क्या है, ये दरअसल स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर के साथ में बाइंडिंग करवाने में मदद करता है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर, ठीक है? अगर किसी जीन के पास स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर नहीं है तो इसके कारण से बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है? फिर बाइंडिंग का जिम्मा सिग्मा का ही है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है तो ये भी मदद करता है बाइंडिंग में, इतनी बात है इसकी। बीटा जो है ये क्या है, ये कैटालिटिक सब यूनिट है, यानी कि मेन जो पॉलीमराइजेशन करना है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करना है, वो यही करेगी बीटा, ठीक है? तो ये कैटालिटिक सब यूनिट है, ठीक है? फिर बीटा प्राइम क्या है, ये डीएनए बाइंडिंग करती है, डीएनए बाइंडिंग। ओमेगा क्या करती है, ये एसोसिएशन फैक्टर है, ये क्या है एसोसिएशन फैक्टर, कैसा एसोसिएशन फैक्टर? दरअसल देखो ये जो कंप्लीट हमने देखा ना, ये कंप्लीट, ठीक, इसे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज तो हम कह रहे हैं, ये दरअसल एक होलो एंजाइम है, क्या है ये, होलो एंजाइम, यानी
पूरा एंजाइम है ये, होलो एंजाइम। इसमें से सिग्मा जो है ना ये रिप्लेसेबल होता है, ये हटता रहता है, फिर दूसरा लग जाता है, फिर हट गया, फिर तीसरा लग गया। भाई हम यही तो कह रहे हैं कि सिग्मा बदलता रहता है, अलग अलग समय में अलग अलग जीन एक्सप्रेस होते हैं, उसके लिए अलग अलग सिग्मा होता है, बाकी सारा तो सेम रहता है। तो ये जो हिस्सा इसके अलावा इतना बचता है ये है कोर आरएनए पॉलीमरेज। क्या है ये? कोर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, सिग्मा डिटेचेबल है। तो ये सबका मैंने फंक्शन बता दिया आपको। अब इस पर आओ, एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेट अल्फा बीटा बीटा प्राइम सब यूनिट, अलग अलग इन बीटा बीटा प्राइम अल्फा, इनके अलग होने से क्या फर्क पड़ेगा भाई? फिर तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। ये कह रहा है कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसके पीछे क्या इनका रोल हो सकता है? नहीं, इनका काम ही नहीं है अलग अलग जगहों को पहचानना। अलग जगहों को पहचानना तो सिग्मा का काम है भाई साहब। तो ये जो बात इसने कही ये सही नहीं है, ठीक है, इसका रोल अपना अलग है यहाँ, ठीक है। डी को देखो, एक्सप्रेशन ऑफ एंटी सिग्मा फैक्टर, यस ये होता है एंटी सिग्मा फैक्टर। जैसे एक टाइम पीरियड के दौरान, जैसे मैं कहूँ स्टारवेशन हो रही है, तो उस वक्त जो सिग्मा एक्सप्रेस हो रहा होता है, ठीक है, सिग्मा एस एक्सप्रेस हो रहा होता है, उसको सप्रेस करने के लिए एंटी सिग्मा फैक्टर बनते हैं, ठीक है। आप ये समझो भाई, स्टारवेशन कंडीशन है, इस दौरान सर्वाइव करना है तो सिग्मा एस चाहिए। लेकिन अब जब वो कंडीशन चेंज होगी, ठीक है, सपोज करिए कि अब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो इस दौरान सिग्मा एस की जरूरत नहीं है, तो इसको रोकने के लिए एंटी सिग्मा बनने लग जाते हैं, वो सिग्मा एस को रोकते हैं, साथ ही साथ में अब जो कंडीशन है जहां न्यूट्रिशन मिल रहा है, इस दौरान एक्सप्रेशन करवाने के लिए अलग सिग्मा बनने लग जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है, तो ये वाली बात भी सही है। तो भाई सी हमारा इस अनुसार हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला रहा है, हाईली स्पेसिफिक इनहिबिटर दैट टारगेट द फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच, ठीक है, नेट दिसंबर 2017 का आया हुआ सवाल है ये, कि अ हाईली स्पेसिफिक इनहिबिटर, एक ऐसा इनहिबिटर जो टारगेट कर रहा है किसका, कि फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच ना हो। इनहिबिट कर रहा है ना, इनहिबिटर है ये क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच, ये दरअसल एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये एमआरएनए फॉर्मेशन के अंदर में रोल निभा रहा होता है, या फिर मैं कहूँ प्रोमोटर टू से रिलेटेड रोल जो होते हैं वो निभा रहा होता है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, हम कह सकते हैं, देखो जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट के अंदर में अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज भी होते हैं और उनसे अलग अलग तरह की जीन का एक्सप्रेशन होता है, उनके पास प्रोमोटर भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूं, जब बात आती है प्रोमोटर वन की, जिस जीन के पास प्रोमोटर वन होगा उस पर ट्रांसक्रिप्शन करेगा आरएनए पॉलीमरेज वन, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज वन क्या बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज बन क्या बनाता है? आर आर एन ए बनाता है। अभी कौन? ऑल आर आर एन ए एक्सेप्ट 5S। फाइव एस आर आर एन ए के अलावा जो आर आर एन ए है उनको बनाता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर और कौन कौन से आर आर एन ए होते हैं ये बात भी पता होना चाहिए आपको। जैसे 28S हुआ, ठीक है, 18S हुआ, 5.8S हुआ, वो सब कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज वन, जिसके पास प्रोमोटर होता है वन। फिर ऐसे प्रोमोटर टू, तो इस पर आरएनए पॉलीमरेज टू काम करता है, ये बनाते हैं क्या? एमआरएनए। वैसे मैं अगर स्पेसिफिक कहूं तो एचएनआरएनए बनाते हैं ये, एमआरएनए तो मॉडिफिकेशन के बाद बनेगा, ठीक है ना, ये वाली बात है। फिर ऐसे हम प्रोमोटर थ्री की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज थ्री आएगा यहां पर, यानी कि जो फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो प्रोमोट आप कहिए कि ट्रांसलेशन करने वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी उनकी भी इसी तरीके से हम वन टू थ्री कर रहे हैं, वन के लिए वन है, टू के लिए टू है, थ्री के लिए थ्री है। थर्ड यहां पर क्या करता है? टी आर एन ए बनाता है, 5S आर आर एन ए बनाता है, U6 SNRNA बनाता है, ठीक है, mRNA के अलावा ये SNRNA बनाता है, MIRNA बनाता है, SIRNA बनाता है,
तरह के आरण्य बनाता है ये आरण्य पॉलीमरेज टू, ठीक है। इसके अलावा फोर और फाइव जो आरण्य पॉलीमरेज होते हैं, ये ऐसा ही आरण्य बनाते हैं। इनसे आपके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, ये बात ध्यान रखना है किस किस से कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। सेकंड से और भी बन रहे हैं, बाकी सबको अगर आप देखें ना तो इनके फिक्स हैं। इसके अलावा जो भी बन रहे हैं ना वो सब टू से बनते हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो आप, ठीक। ये बात आ गई। तो देखो अब ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड। अच्छा हाँ, ये कह रहा है कि अगर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ट्रांसमिशन फैक्टर सेकंड एच को रोक दिया गया वाई यूजिंग दिस इनहिबिटर, तो क्या फर्क पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर में। तो देखो, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर सीक्वेंस ये रुक जाएगा, कहने का मतलब ये है। प्रोमोटर क्लियरेंस रुक जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी रुक जाएगा, ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन ये रुक जाएगा, ठीक है। तो अच्छा चलो, थोड़ा और भी हमको यहाँ बात करनी पड़ेगी। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच जो है ये किसका है, सेकंड यानी कि एमआरएनए बन रहा है या फिर और कुछ बन रहा है वहां पर इसका काम है। तो इसका रोल क्या होता है, ये फॉस्फोराइलेशन करता है ऑन सीटीडी, सी टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। जैसे मैं ये ड्रॉ करूं ट्रांसक्रिप्शन बबल, ये इस पर है आरएनए पॉलीमरेज 2, ये होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 का सी टर्मिनल डोमेन, सीटीडी, सी टर्मिनल डोमेन, ठीक है ना। होता क्या है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच है ये इस पर फॉस्फोराइलेशन कर देता और इसी की फॉस्फोराइलेशन के कारण से जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आरएनए पॉलीमरेज 2 ये आगे बढ़ पाता है। अगर ये नहीं हुआ ना तो आरएनए पॉलीमरेज 2 बढ़ेगा ही नहीं आगे, ठीक है, अगर ये फॉस्फोराइलेशन ना हुआ तो, ठीक, तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम देखें तो क्या पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर सीक्वेंस, यानी कि इनहिबिट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड ही नहीं कर पाएगा, ये है कहने का मतलब पहले स्टेटमेंट। क्या ऐसा है, नहीं, बाइंड तो ये कर जाएगा, इसके लिए और फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच से पहले आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला होगा नहीं। प्रोमोटर क्लियरेंस, ये क्या होता है, प्रोमोटर क्लियरेंस का मतलब होता है जैसे सपोज करो ये प्रोमोटर है, ठीक है, और ये आगे की कोटिंग रीजन है, तो जब आरएनए पॉलीमरेज इस पर बाइंड करता है, बाइंड करके आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो ये प्रोमोटर खाली हो जाएगा ताकि दूसरा आरएनए पॉलीमरेज इस पर अटैच होकर फिर आगे शुरू कर सके, ठीक है। इस तरीके से चलते रहते प्रोसेस। तो जितना समय लगता है एक आरएनए पॉलीमरेज को फॉर बीइंग मूव फ्रॉम प्रोमोटर टू कोडिंग रीजन, तो वो टाइम पीरियड कहलाता है प्रोमोटर क्लियरेंस, ठीक। हम कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच जो फॉस्फोराइलेशन करता है उसके कारण से आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, अगर ये नहीं हुआ तो प्रोमोटर क्लियरेंस ही नहीं हो पाएगा, यानी ये चीज अफेक्ट होती है, ये अफेक्ट होगा, आगे बढ़ नहीं रहा, ठीक है ना। फिर क्या रिक्रूटमेंट और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी अफेक्ट होगा, नहीं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच आखिरी होता है, इसके बाद और कोई रिक्रूटर नहीं होता, तो डी तो पहले ही आ चुका होता है, सबसे पहले यही आता है, तो ये भी नहीं अफेक्ट होगा, ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पर आ गए हैं। ये नेट जून 2017 का पूछा हुआ सवाल है हमारा, और ये सेक्शन बी से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियस तौर पे इसके साइज को भी देखकर आपको लग रहा होगा कि काफी आपको ये टू द पॉइंट बातें पूछी गई हैं। तो देखते हैं सवाल हमारा क्या कह रहा है। इन यूकैरियोट्स प्रिकर्सर ऑफ माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए क्या है, वही हमारा एमआईआरएनए, ठीक है, और इसके साथ साथ स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए यानी कि एसआईआरएनए, ये एमआईआरएनए और एसआईआरएनए इनके बारे में बात आ रही है, यानी कि इन यूकैरियोट प्रिकर्सर ऑफ एमआईआरएनए एंड एसआईआरएनए आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड बाय, किसके द्वारा होता है। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है कि इसको बनाने वाला कौन है, अगर हम बात करें तो पॉलीमरेज 2 एकमात्र ऐसा आरएनए पॉलीमरेज है, मैं यहां पर एग्जैक्ट कहूं तो आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 ये है ऐसा आरएनए पॉलीमरेज जो कि एमआईआरएनए बनाता है, ठीक है, एमआईआरएनए, और क्या इसके अलावा एसआईआरएनए बनाता है, यस, यानी कि पॉलीमरेज 2 जहां पर एमआरएनए बनाता है और
एमआईआरएनए भी बनाता है। इसके साथ ये एसआईआरएनए, एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए और भी बहुत तरह के आरएनए फॉर्म करता है। ठीक है, अगर सवाल ये हमारा केवल एसआईआरएनए से रिलेट करके बताता तो तीन आरएनए पॉलीमरेज इसके जिम्मेदार होते। एक तो खुद आरएनए पॉलीमरेज टू, और इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज फोर और आरएनए पॉलीमरेज फाइव। ठीक है ना, टू फोर और फाइव, ये तीनों क्या करते, केवल एसआईआरएनए बनाते। ठीक है ना, पर सवाल चूंकि हमारा पूछा गया है एमआईआरएनए और एसआईआरएनए दोनों को बनाने वाला कौन है, तो कौन, वन और थ्री बिल्कुल भी नहीं, थ्री और वन नहीं, आरएनए पॉलीमरेज वन बिल्कुल भी नहीं, ओनली आरएनए पॉलीमरेज टू, डी होगा आपका इसका राइट आंसर। क्लियर है ये चीज, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। साइंटिस्ट यूजुअली फाइंड डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट इन यूकेरियोट बिकॉज। दरअसल ये जो सवाल आपके सामने आया ये एक स्टेटमेंट के रूप में आया है। क्या है वो स्टेटमेंट, कि साइंटिस्ट को यूजुअली डिफिकल्टी महसूस होती है यूकेरियोट्स में। ठीक है, यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की एग्जैक्ट साइट का पता लगाने में। अब बोलोगे सर इसमें ये क्यों बात होती है, होता है ये ऐसा, इसको समझने के लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन समझना होगा इन यूकैरियोट्स। तो चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो रहा है तो ये टर्मिनेटर साइट पर होता है। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है, लेकिन इस दौरान घट रही घटनाओं को ध्यान में अगर हम रखें तो हम इस बात से काफी हद तक एग्री होंगे जो ये स्टेटमेंट हमको सवाल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ये है आरएनए पॉलीमरेज का सी टर्मिनल डोमेन, और ये कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज टू। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज टू, यानी ये जो हम टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं ये किसकी में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हमारी ऐसी जीन जिसके पास प्रोमोटर टू हो। ठीक है, तभी हमारा आरएनए पॉलीमरेज टू इस पर काम कर रहा है। अब जब इस पर आरएनए की फॉर्मेशन हो गई होगी, ये सेवन मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग लग रखी है और यहां टर्मिनेशन होता है। अब टर्मिनेशन कैसे होता है, यहां पर एक्चुअल में टर्मिनेशन पर ना जाते हुए अगर मैं यहां आपको समझाऊं कि यूकैरियोट में जो एमआरएनए है उसकी यहां पर सिंथेसिस के दौरान क्या घटना घटती है ड्यूरिंग टर्मिनेशन, तो आप यहां पर कहेंगे यहां पर होता है क्या, क्लीवेज ऑफ एच एन आर एन ए। यहां पर क्या हो रहा है, क्लीवेज ऑफ एच एन आर एन ए। एच एन आर एन ए क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं एच एन आर एन ए क्योंकि अभी तक जब ये कटिंग हो जाती है तो इसके बाद पॉली एडेनाइलेशन होना बाकी है। ठीक है भाई, कैपिंग हो चुकी है, स्प्लाइसिंग भी आप कह सकते हैं कमोबेश लगभग हो चुकी होगी, लेकिन जब तक इसका थ्री प्राइम एंड नहीं होगा, ये देखो ये तो फाइव प्राइम एंड है ना, ये फाइव प्राइम एंड है हमारे इस एचएनआरएनए का, जब ये कटिंग होगा तो यहां पर थ्री प्राइम एंड बनेगा और थ्री प्राइम एंड बनने के बाद यहां पर टेलिंग होगी, थ्री प्राइम टेलिंग, इसे पॉली एडेनाइलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट एमआरएनए है। ठीक है, तो अब ये जो बात आ रही है हमारे सामने कि ये कटिंग हुई, तो कटिंग होने के बाद क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां पर कटिंग हुई तो थ्री प्राइम एंड बना और उसके साथ ही ये हिस्सा जिसके पास एक्चुअल प्रोटीन को कोड करने के लिए सीक्वेंस है वो यहां से अलग हो जाएगा और बच जाएगा क्या, ये हिस्सा, इतना हिस्सा ये बच जाएगा। ये क्या है, ये तो डीएनए के ऊपर में अभी भी मेल्टिंग हो रखी है और आरएनए पॉलीमरेज अटैच है यहां पर। तो क्या अगर मैं कहूं कि प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन रुक गई है क्या, नहीं, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन रुकी है नहीं, खाली जो हमारा मेन एमआरएनए है वो एचएनआरएनए वो यहां से कट होके अलग हो गया है। अब बचा हुआ आप बोलोगे सर फिर यहां पर क्या अभी रुका नहीं है, नहीं अभी रुकी नहीं है, प्रोसेस रुकी नहीं है, अभी पॉलीमराइजेशन चल रही है। ठीक, अब बाद में क्या होगा, ये आगे जाकर इस पर से हटेगा और जितना टुकड़ा, अब यहां पर ये कटिंग हो जाएगी तो फाइव प्राइम एंड बन जाएगा, ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये फिर जो सेल के अंदर प्रेजेंट एक्सोराइबो न्यूक्लियसेस होते हैं वो कट कर देते हैं। तो अब एक्चुअल में साइंटिस्ट के पास में ऐसा कोई जरिया है नहीं
कि वो इसके सीक्वेंस का आइडिया लगाकर और ये पता लगा लें कि भाई कहां तक ये जाकर एंड हुआ था। अब एमआरएनए जो है वो तो यहीं पर खत्म हो गया है, उसने तो एक्चुअल टर्मिनेशन साइट देखी नहीं, अब उसकी जो सीक्वेंस है एक्चुअल टर्मिनेशन साइट की वो एमआरएनए पर आई नहीं, तो इस कारण से वास्तव में जो एग्जैक्ट जो टर्मिनेशन साइट है यूकैरियोटिक जीन की वो पता चल ही नहीं पाती है साइंटिस्ट को। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो अब इसी को देखते हुए हम स्टेटमेंट को देखें कि कौन सी हमारी स्टेटमेंट इससे राइट बात कर रही है। तो देखो, इमीडिएटली फॉलोइंग टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन थ्री प्राइम एंड इज पॉलीएडेनाइलेटेड, ये कह रहा है कि जैसे ही टर्मिनेशन होता है तो थ्री प्राइम एंड जो बना है उस पर पॉलीएडेनाइलेशन हो जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर पॉलीएडेनाइलेशन हो जाती, ठीक है भाई हमने कहा कटिंग हुई और पॉलीएडेनाइलेशन हो गई, तो क्या हमको साइट पता नहीं चल सकती? अगर एक्चुअल साइट ये होती तो बिल्कुल पता चल सकती है भाई, लास्ट के अंदर में पॉली ए टेल है, सारे ए ए ए ए अटैच होंगे, अगर उनको उनको अगर आप अपने माइंड के अंदर में सेट करते हुए हटा ले तो बस जो अगली सीक्वेंस है वो वहां पर टर्मिनेशन होती। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि तो आपको पता है एक्चुअल टर्मिनेशन यहाँ पर हुआ ही नहीं है, यहाँ पर तो क्लीवेज हुई है। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ाओ, द थ्री प्राइम एंड इट जनरेटेड, ठीक है द थ्री प्राइम इट जनरेटेड बाय क्लीवेज, ठीक है थ्री प्राइम एंड जो जनरेट हो रहा है इसका बाय क्लीवेज जनरेट हो रहा है प्रियर टू एक्चुअल टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो कि एक्चुअल टर्मिनेशन साइट से पहले है, पहले ही लाई कर रही है। तो जब एमआरएनए के पास वो सीक्वेंस है ही नहीं टर्मिनेशन का तो पता कैसे चलेगा साइंटिस्ट को? ये यहां पर स्टोरी है मेन, ठीक है ना। तो हम यहां पर इसी को ध्यान में रखते हुए कहें तो बी हमारा राइट आंसर आ रहा है। हालांकि सी और डी अगर देख लो, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट एट थ्री प्राइम एंड ट्रांसक्रिप्ट हाइड द टर्मिनेशन साइट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको पता है अगर हम सॉल्ट ट्रीटमेंट देंगे तो प्रोटीन हट जाएगा और सीक्वेंस पता चल सकता है, लेकिन सीक्वेंस हो तो सही, वो एक्चुअल है ही नहीं, ये भी नहीं है। डी थ्री प्राइम एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट इज कॉम्प्लेक्स विद फाइव प्राइम एंड ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई इस कारण से बी जो है ना ये है हमारा इसका राइट आंसर। आई होप ये सबको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर। अब ये सवाल हमारे सामने आया है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, ठीक है। यूकैरियोटिक एमआरएनए हैव एंजाइमेटिक डिपेंडेंट कैप स्ट्रक्चर, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सेवन मिथाइल गुआनोसिन रेसिड्यू ज्वाइन टू इनिशियल फाइव प्राइम न्यूक्लियोटाइड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। क्या कह रहा है कि यूकैरियोटिक एमआरएनए के पास में एंजाइमेटिक जो है अपेंडेंट कैप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर में सेवन मिथाइल गुआनोसिन होती है, हमें पता है, रेसिड्यू ज्वाइंड टू इनिशियल फाइव प्राइम न्यूक्लियोटाइड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। सही बात है, हमको पता भी है, हमने देखा भी है किस तरह से अटैचमेंट होती है इसकी, फाइव प्राइम लिंकेज होती है। गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपिंग, ठीक है देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। ये नेट जून 2017 का पूछा हुआ सवाल है हमारा। तो देखो स्टेटमेंट, कैपिंग प्रोटेक्ट द एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय फाइव प्राइम एक्सोराइबो न्यूक्लियस, क्या ये बात सही है? अच्छा हमें बताना क्या है इसमें, इनकरेक्ट बताना है भाई, देखो इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। कैपिंग प्रोटेक्ट द एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम आना चाहिए एक्सोराइबो न्यूक्लियस, तो ये बात तो सही है भाई, ठीक है। अगला आ जाओ, ड्यूरिंग कैपिंग द अल्फा फॉस्फेट इज रिलीज फ्रॉम फाइव प्राइम एंड ऑफ नेसेंट एमआरएनए, ये कह रहा है कि जब कैपिंग होती है तो उस वक्त जो नेसेंट एमआरएनए है या फिर आप कहिए एचएनआरएनए, ठीक है नेसेंट एचएनआरएनए, उसके अंदर से जो अल्फा फॉस्फेट है वो रिलीज हो जाता है, ये कहना है इसका। अल्फा फॉस्फेट रिलीज फ्रॉम पहला न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम फाइव प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए, नहीं, क्योंकि अल्फा बीटा तो रहता है वहां पर, गामा हटता है भाई। जैसे हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ये हमने ए बनाया था, इस पर तीनों लगाए थे फॉस्फेट, अल्फा बीटा गामा, तो गामा हटा था, अल्फा तो रहा ही था वहां पर, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आ जाओ सी स्टेटमेंट देखो, फॉस्फोराइलेशन मीडिएटेड कन्फर्मेशनल चेंज इन कार्बोक्सिल टर्मिनेशन डोमेन सीटीडी, क्या कह रहा है? द फॉस्फोराइलेशन मीडिएटेड कन्फर्मेशन चेंज इन कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एनेबल्स इट्स बाइंडिंग विद कैपिंग एंजाइम्स, क्या ये वाली बात सही है? यस ये वाली बात सही है। जब हम देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर फॉस्फोराइलेशन कौन कर रहा है, वही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड है जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच ने फॉस्फोराइलेशन किया, तो उससे क्या होता है, ये दरअसल इसको बाइंड करने में मदद करता है विद कैपिंग एंजाइम, इसीलिए हमने कहा था कि कैपिंग होने के बाद, अच्छा वैसे स्प्लाइसिंग के रोल आ जाता है उसमें, स्प्लाइसिंग का रोल है, खैर तो ये वाली बात चीज है, तो ये वाली बात सही है, हाँ ये सही है, ठीक है। डी पर आ जाओ भाई,
ड्यूरिंग कैपिंग अ 5'5' ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन बीटा फॉस्फेट ऑफ नेसेंट एमआरएनए एंड अल्फा फॉस्फेट ऑफ जीटीपी। एकदम सही है ये, ठीक है ना। तो अल्फा फॉस्फेट ऑफ, वैसे यहां पर जीटीपी नहीं, जीएमपी आना चाहिए, ठीक है। आई होप शायद ये टाइपिंग मिस्टेक ही हुई होगी, ठीक है, क्योंकि ये जनरली पहला फॉस्फेट, वैसे भी यहाँ पर जो अटैचमेंट होती है वो हमारी जीएमपी की ही होती है, तो उसको अंडरस्टैंड मान के चला जाए। तो भाई ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट आती है, ये जो 5'5' लिंकेज है ये एकदम ऐसे ही बनता है। तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बी हमारा एकमात्र है जो गलत है, और ये ही है राइट आंसर इस सवाल का, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस चीज को अच्छे समझ लिया, आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर है। एक बार सभी लोग इसको जरा ध्यान से दोबारा से देख लीजिए, क्या ये बातें सभी को क्लियर हैं। क्लियर। तो आज इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज ट्रांसक्रिप्शन का आपका ये फर्स्ट लेक्चर अपन ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। आने वाले दिनों में हम ट्रांसक्रिप्शन के ही अनदर और सेशंस लेकर आएंगे, और भी जो क्वेश्चन है उनको भी कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आप सभी के फ्रूटफुल रहा हो। जाने से पहले मैं अगेन रिमाइंड करा देना चाहता हूं उन स्टूडेंट को जो लोग भी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, मेक श्योर कि जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक टाइम से पहुंचे और आप अपनी एग्जामिनेशन को फेस करने कहीं बेहतर तरीके से तैयार हो। तो जरूर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, शेयर करिए इसे मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स साथ में, और अगर सेशन अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक भी जरूर करते चलिएगा। इस साथ लेते हैं आज विराम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।